नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है मुगल कालीन मुद्रा। कि भारत में जो मुगल वंश स्थापित किया था बाबर ने, उनकी मुद्रा किस प्रकार की थी, यानी कि रुपए किस प्रकार थे, पैसे किस प्रकार थे। तो मुद्रा का अर्थ यही होता है। क्या होता है? मुद्रा का अर्थ यही होता है, रुपये। ठीक है, देखो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, आप सभी को पता है। ठीक है, बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। और हुमायूं का एक बेटा हुआ था, अगर आपको पता है उसका नाम क्या है? अकबर है। याद रखना दोस्तों, अकबर। ठीक है, इस अकबर ने क्या किया? दिल्ली के अंदर शाही टकसाल का निर्माण करवाया। किसका? शाही टकसालों का निर्माण करवाया, टकसाल का निर्माण। क्या होती है शाही टकसाल? शाही टकसाल का मतलब होता है कि मुद्रा बनाने का कारखाना। क्या? रुपए बनाने का कारखाना कह सकते हैं, रुपए का कारखाना कह सकते हैं हम। ठीक है, क्या कह सकते हैं? रुपये का कारखाना कह सकते हैं। ठीक है, शाही टकसाल। और इस टकसाल की अधिकारी किसको नियुक्त किया? टकसाल के अधिकारी को नियुक्त किया उस व्यक्ति का हमें नाम मिलता है, अब्दु समंत। क्या नाम है? अब्दु समंत। देखिए, अब्दु समंत उस व्यक्ति का हमें नाम मिलता है। किसका? शाही टकसाल के अधिकारी का। ठीक है, आगे देखो, एक व्यक्ति का नाम मिलता है, उस व्यक्ति का नाम है आपके अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल ये कहता है कि अकबर के समय आपकी दिल्ली के अंदर तीन प्रकार की क्या बनी हुई है? टकसाले बनी हुई है। देखो, पहली टकसाल कौन सी थी? पहली टकसाल थी सोने की। क्या? सोने की टकसाल थी। और सोने की टकसाल कितनी थी मुगल काल में? वो थी चार, यानी कि चार सोने का टकसाल कह सकते हैं, या फिर सोने के सिक्के बनाने का कारखाना कह सकते हैं। दो नंबर आती है चांदी की टकसाले। कितनी? चांदी की टकसाले। और चांदी की टकसाले थी दोस्तों 14। कि मुगल काल में चांदी के सिक्के बनाने का जो कारखाना होता है वो कितनी संख्या में है? 14 संख्या में। तीन नंबर, उस समय सिक्के चलते थे आपके तांबे के। किसके? तांबे के सिक्के चलते थे, तांबे की टकसाले कह सकते हैं। और तांबे की टकसाले कितनी है? वहां पर मिली है आपको 42। कितनी? 42 42 मिली है। ठीक है, इतनी बात कर ली। देखो, अकबर का एक बेटा हुआ था जिसका क्या नाम था? अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का उस समय एक इस प्रकार का गोलाकार क्या मिला है? सिक्का मिला है दोस्तों, सिक्का मिला है। ठीक है, उस सिक्के के ऊपर जहांगीर इस तरह खड़ा हुआ है, और यह जहांगीर का हाथ है, और हाथ में क्या है? एक प्रकार का प्याला है। वो प्याला किस चीज का है? वो है शराब का प्याला, या फिर कह सकते हैं मदिरा का प्याला, या फिर कह सकते हैं एल्कोहल, दारू भी कह सकते हैं। क्या है हाथ में? हाथ में है शराब। हाथ में क्या है दोस्तों? शराब है। ओके, आगे देखते हैं, कुछ और भी जानकारी हमें मिलती है। देखो, जो अकबर था, कौन? जो अकबर था, अकबर के सिक्के के ऊपर किसकी आकृति है? अकबर के सिक्के के ऊपर राम व सीता की आकृति। किसकी? राम सीता की आकृति है अकबर के सिक्के के ऊपर। और इसी के साथ में देखो, सूर्य सूर्य और चंद्रमा के कुछ पद लिखे गए हैं। क्या पद लिखे गए हैं? किसके ऊपर? अकबर के राम सीता आकृति वाले सिक्के से। ये बात कर ली। ठीक है दोस्तों, देखिए, अकबर ने एक अभियान चलाया था, और उस अभियान का क्या नाम था? अकबर के अभियान का नाम था असीरगढ़ अभियान। और इस असीरगढ़ अभियान को क्या कर लिया अकबर ने? पूर्ण कर लिया। और पूर्ण करने के बाद अपने सिक्के के ऊपर क्या खुदवाया? बाज का चित्र।
किस चीज का? बाज का चित्र खुदवाया दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाज का चित्र। तो यह बात कर ली मुगल कालीन मुद्रा की कुछ अंडरव्यूशन कि मुगल कालीन मुद्रा किस प्रकार की थी। अकबर ने साई टक्सल का निर्माण करवाया, ठीक है, साई टक्सल का निर्माण, रुपए का कारखाना जिसका अधिकारी अब्दुल समंद को नियुक्त किया, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार यहाँ पर तीन प्रकार की टक्सालें थी, सोने की थी 4 टक्सालें, चांदी की थी 14 टक्सालें और तांबे की थी 42 टक्सालें। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मुगल काल के कुछ सिक्कों के बारे में, देखते हैं मुगल कालीन के कुछ सिक्के कि किस प्रकार के सिक्के थे। देखियो 9 नाम आपके सामने है, क्या क्या है? मुहर, संसद, इलाही, रुपया, जलाली, दान, जितर, निसार, आना। तो ये थे उस समय के प्रमुख सिक्के, कह सकते हैं मुद्रा कह सकते थे। जो ये मोहर है ये किस प्रकार का सिक्का था? ये था सोने का। क्या? जो मोहर था ये किसका सिक्का था? सोने का सिक्का था, ठीक है। देखिए सोने का सिक्का था, किसके द्वारा चलवाया गया था? तो ये चलवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलवाया गया था, ठीक है, अकबर के द्वारा चलवाया गया था। और इसका जो आज वर्तमान में अगर देखें तो ये था 9 रुपये के बराबर। क्या? 9 रुपये के बराबर था। इसकी जो जानकारी हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है आईने अकबरी से। किससे? आईने अकबरी से इसकी क्या मिलती है? जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। ये सिक्का क्या है? मुगल कालीन का सबसे प्रचलित सिक्का था। क्या था? सबसे प्रचलित सिक्का था ये मुगल कालीन का। जो मुहर सिक्का है वो मुगल कालीन का सबसे प्रचलित सिक्का है। दूसरा आता है संसद, ठीक है, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। क्या? ये भी सोने का था लेकिन सबसे बड़ा, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था। कौन सा? संसद, ठीक है। ये आपके 101 तोले का था। क्या? 101 तोले का था, ठीक है। ये भी अकबर के द्वारा चलवाया गया था। इलाही, देखो ये भी किस चीज का था? सोने से निर्मित था इलाही सिक्का भी, लेकिन ये क्या था? सोने का गोलाकार सिक्का था। सोने का गोलाकार सिक्का को उस समय इलाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने के गोलाकार सिक्के को इलाही कहते थे। ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा, ठीक। एक आता है रुपया, जो आधुनिक में चलता है रुपया। देखो ये जो रुपया था ये था चांदी का। क्या? इसे कह सकते हैं शुद्ध चांदी का सिक्का। क्या? शुद्ध चांदी का सिक्का। और ये शुद्ध चांदी का सिक्का है वो कहा जाता है 175 ग्रेन का था। इनका वजन है 175 ग्रेन और किनके द्वारा चलवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा प्रिय विद्यार्थियों? शेरशाह सूरी के द्वारा, जो कि सूर वंश का उस समय शासक था शेरशाह सूरी। अगला आता है जलाली। तो भी ये जलाली है, ये भी किस चीज का सिक्का है? ये भी चांदी का, चांदी का है लेकिन ये वर्गाकार भी है। क्या? वर्गाकार भी है। और ये सिक्का क्या है? चौकोर भी है। क्या? वर्गाकार है और चौकोर भी है। ये भी अकबर के द्वारा चलवाया गया था। आगे देखिए अगला आता है दाम। दाम है ये किस चीज का है? ये है तांबे का सिक्का। किस चीज का? तांबे का सिक्का है। और किनके द्वारा चलवाया गया है ये तांबे का सिक्का? आपके अकबर के द्वारा। किसके द्वारा ये चलवाया गया है? अकबर के द्वारा। एक आता है जितल। ये भी किस चीज का है? तांबे का, लेकिन क्या है? तांबे का छोटा सिक्का है। क्या है? तांबे का छोटा सिक्का है ये जितल। और जितल को क्या कहा जाता है? जितल को कहा जाता है पेशा, और इसी को कहा जाता है फुलूस। क्या? दो शब्द इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, पेशा और फुलूस। एक शब्द आता है निसार। जो ये निसार सिक्का है ये भी किस चीज से बना हुआ है? तांबे से बना हुआ है, लेकिन इसका जो निर्माण है, इसका जो डालने की शुरुआत किसने की? वो आपके अकबर का बेटा जहांगीर ने की। और ये चौथाई
रुपए के चौथाई भाग के बराबर होता था, ये रुपए के चौथाई भाग के बराबर, रुपए के एक बटा चार कह सकते हैं, चौथाई, चौथाई भाग के बराबर बराबर ये होता था। एक आता है आना, क्या है आना, जो आना है देखो, एक शब्द आता है आपके सामने आना, ये देखो दाम, दाम और रुपये के बीच का ये एक प्रकार का दाम व, देखो दाम व रुपये के बीच में आना नामक सिक्के का प्रचलन था। क्या, ये रुपया है, ये दाम है, इनके मध्य इसी का छोटा रूप था, एक सिक्का का प्रचलन था उस समय, उस सिक्के को कहा जाता था आना, क्या आना कहा जाता था। तो ये है दोस्तों मुगल कालीन की मुद्राएं, कि किस प्रकार वहां की मुद्राएं हैं, क्या क्या नाम है, नाम दे सकते हैं मोर, संसद, किलाई, रुपया, जलाली, दाम, जितन, निशा, आना। तो ये है आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो के साथ नवजीवन क्लासेज का आप इस तरह फायदा जरूर उठाइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को विजिट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी तरह का जेन्युइन कंटेंट अगर आपको चाहिए तो हमारी नवजीवन क्लासेस के ऊपर प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो जरूर वीडियो को वॉच करें। धन्यवाद मित्रों।